कब्र खोदकर बच्चे को निकालने की कोशिश। पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल कामा थाना क्षेत्र के गांव करमोका में कब्रिस्तान में दफनाए गए बच्चे को लेकर विवाद देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि सुबह बच्चे को दफनाया गया था, जहां 2 बजे लगभग बच्चे की कब्र की खुदाई कर ली गई। वहीं पीड़ित मजीद के परिवार का आरोप है कि तांत्रिक मामलों के चलते यह घटना घटित हुई है, जहां एक परिजनों के लड़के ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के पश्चात कामा थाना के SI जगराम जादपे के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी में जुट गए। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि धर्मेंद्र पुत्र बाबू जाति हरिजन ने इस घटना की वारदात को अंजाम दिया है, जहां लगभग 1 वर्ष पूर्व धर्मेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी। तब से ही तांत्रिक के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां सुबह दफनाए बच्चे की कब्र को खोद दिया गया है और मृतक बच्चे की निकालने की कोशिश की गई है। घटना को देख सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गई और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। वहीं कामा थाना पुलिस को सूचना दी गई, जहां कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई। आरोपी के परिवारजनों का कहना है कि धर्मेंद्र की पत्नी का लगभग 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, तब से ही वह मानसिक रूप से पीड़ित है, जिसके चलते उसने यह घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हुआ कि एक मजीद नाम का लड़का है और उसका एक बच्चा पैदा हुआ कल, तो वह आज ही इंतकाल होगा शाम को करीब 9:30 बजे। थोड़ी देर बाद मतलब उसको घर खोद कर रहनी बात है, बस्ती वालों ने मट्टी दे दी, मट्टी दे कर ऐसा करो कोई 12:30 के दायरा में एक हरिजन का लड़का, क्या नाम भाई? महेंद्र सिंह। और भाई वह जो है ये बच्चे को खालते हुआ कुछ बच्चों ने देख लिया, आ कर नहीं हुए मौका पे पकड़ लिया। तो फिर क्या कहते हैं वो? फिर वो है तो बस यही बात कह रहे हैं कि भाई ये पागल है, अब क्या करें। अब भाई ये बात है उसकी जो घर से है उसकी माँ वो मतलब हाथ में हिंदी जोड़ रही है। आपको क्या लगता है जैसे किस प्रकार से, किस लिए इन लोगों ने ये हरकत की? इस लड़के ने इसे कुछ दिन पहले इसकी औरत गुजर गई तो उसकी तलब में ये इधर उधर घूमने लग रहा। अब भाई ये तो देखो अब यही जाने अगर कोई सीधी साध रहा है, जादू टोना वाला बात है कि बच्चे को खाल कहीं सीधी साधता हो या कोई बड़े ने बताया हो इसके लिए, तो ये तो देखो इसे ही खबर है। इससे पहले भी कोई घटना हुई है कि कब्रिस्तान में? यहाँ इससे पहले और कोई घटना नहीं हुई। आपका नाम? जान गाँव करमोका। शादी ब्याह के लिए हर कोई सोचता है कि मैं सामान कहाँ से खरीदूं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो हम आपको बताते चले कि अगर आप सस्ते दामों में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो रियाज फर्नीचर सीकरी से खरीदें। हर सामान की गारंटी मिलेगी, आप एक ही दुकान से पूरा सामान खरीद सकते हैं, जैसे बेड, अलमारी, कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, शादी का पूरा सामान। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।